KGF 1 80 करोड़ में तैयार हुई थी, वहीं KGF 2 मात्र 100 करोड़ में तैयार हुई है, जो कि आजकल के पैर एक्टर है जो कि एक्टर लोग लेते हैं। दोस्तों सोच सकते हैं इतना धमाकेदार कौन बना सकता है, वो है सिर्फ साउथ वाले ही इतने रिस्क ले सकते हैं। और रही इसमें मूवी हुई की तो बात अलग रखो, जो रवीना टंडन है उनका स्वैग तो भाई साहब देख के मजे आ जाता है। ट्रेलर देखो, बार बार रिपीट करके देखो कि आप रवीना टंडन जो आज दिखती है हॉट है, खतरनाक है, मगर उनका स्वैग भी देख के मुझे मजा आ जाता है। साथ में अपने रॉकी भाई इस बार कुछ धमाकेदारी लेके आएंगे। इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट मूवी की तरह वो कुछ अलग हड़बड़ाहट में नहीं है, वो एकदम स्वैग एकदम शांति से, जो कि हमको डॉन मूवी के अंदर शाहरुख खान का एक कैरेक्टर और बाकी हॉलीवुड में विलनों का कैरेक्टर देखने को मिलता है। सेम वही कैरेक्टर के अंदर अपने यहाँ पे रॉकी भैया देख रहे हैं बिल्कुल चिल, और चिल में लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और हमें ट्रेलर के अंदर देखने के लिए मिलता है, ट्रेलर वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ KGF 1 खत्म हुई थी, यानी वो कंटिन्यू स्टोरी चलती रहती है। जो होता है ना, KGF 1 अपने सिनेमा जगत में लेवल अप करके गई थी, अब वही जो KGF 2 है वो और भी लेवल अप करके जाएगी और सबको बताएगी हाँ हम भी कुछ अलग कर सकते हैं, बस साउथ वाले। और दोस्तों रही इसमें कुछ अलग देखने की बात, मैं बताऊँ इसमें मुझे 3 सीन इसमें खतरनाक लगे, मैं ट्रेलर को बार बार रिपीट करके देखता हूँ वो सीन। पहला अपने रवीना टंडन का स्वैग, घर में घुस के मारेंगे। दूसरा अपना जो ब्रिज के ऊपर लड़ाई हो रही होती है ना, एक ब्रिज और कई सारी गोली एक तरफ चल रही होती है, एक वाला स्वैग। और सबसे खतरनाक तो आपको पता ही है कि अपने रॉकी भैया अकेले पूरी आर्मी के साथ घुस रहे होते हैं विधानसभा के अंदर पूरे खून में लथपथ होकर। अब दोस्तों आपको कौन सा फेवरेट सीन है नीचे कमेंट बता दीजिए। और रही इसमें कलर ग्रेडिंग बात, ब्लैक कलर इतना शानदार लग रहा है, मतलब इसमें पता लग रहा है कि इसमें VFX सिनेमैटिक में इसमें कई सारे पैसे खर्च किए गए, जो इसमें डायरेक्टर में प्रशांत नील ने कुछ शानदार इसमें क्रिएट किया गया, अपने इनोवेशन दिखाई है। और रही इसमें संजय दत्त की बात, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे लुक में मतलब मजे आया था कि हाँ बॉलीवुड से भी अलग, मतलब ये होता है असली मसाला जो हमारे बॉलीवुड से हमारे जो नहीं कर पा रही। भाई तुम्हें क्या लगा कि छोटी मोटी मूवी है? अरे नहीं, यह रॉकी भाई का धमाका। मेरे को तो लग रहा है कहीं ये मूवी अपने 2 या 3 या 4 3.5 घंटे की ना बन जाए, माल मटेरियल ऐसे लगता है। बाहर के लोग भी KGF की छोड़े अपने संजय दत्त भाई के पीछे पड़े और पूरी पॉलिटिक्स भी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब दोस्तों बस देखना है इसमें KGF में क्या होना है, बस एक जोर चीज़ देखने की उस गड्ढे के अंदर क्या निकलता है, बाकी सब चीज़ तो अपने 14 अप्रैल को मालूम पड़ जाएगी। और ऐसे मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यूज देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। टाटा बाय बाय।